सर इमरान खान कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को कैसे रखा जाता है वो ये बताएंगे इंडिया में। ठीक है सर, अपने घर में बैठे होंगे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे होंगे या अपने किसी बाहर जाके बात कर रहे होंगे, तो उनको बोलने दीजिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर खुद के आंगन में देखना चाहिए कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट किया हुआ है, कितनी जनसंख्या या कितने प्रतिशत हिंदू या सिख थे बंटवारे के बाद और अब कितने प्रतिशत हैं, उससे उनके आंकड़े उनको मंगवाने चाहिए, अपने ऑफिशियल से उनको पता करना चाहिए कि कितने 1947 में जब विभाजन हुआ था तो कितने हिंदू, कितने सिख, कितने ईसाई पाकिस्तान में थे, कितने प्रतिशत थे और अब कितने प्रतिशत रह गए। और दूसरा मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। ऐसा मतलब सवाल क्यों उठा रहे एकदम? कुछ भी मतलब देखिए, अपने होने का एहसास दिलाने के लिए कभी किसी बहुत बड़े इंसान को या बहुत बड़ी कंट्री को निशाना साधा जाना पड़ता है, वरना कौन उनको देखेगा, कौन उनकी बात सुनेगा। अगर मुझे बतौर एक्टर या किसी, मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग में मेरा यकीन नहीं है और मुझे नोटिस होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं किसी बहुत बड़े इंसान की गाली दे दूँगा, बोलूँगा उसको क्या एक्टिंग आती। तो लोग आजकल के ज़माने में मीडिया पहुँच जाएगा, अरे देखो इतने बड़े आदमी वाले। तो इमरान खान साहब अपने वजूद के लिए बार बार हिंदुस्तान को रेफरेंस में बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको फिर बात सुनेंगे उनकी बात। और आप भी जो है कैमरा लेके आ गए मेरे पास कि जी इमरान खान ने ऐसा बोल दिया, अरे बोल दिया तो क्या बोल दिया, सच थोड़ा है। सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच बोल सके, दूसरा जो सच सुन सके। नहीं, कुछ माइनॉरिटी को यहाँ पर डर भी लग रहा है इंडिया में, नहीं और आपकी इंडस्ट्री से है वो नहीं ऐसा। मैं ये समय को लगता रहा है, आमिर खान को भी लगा, प्रसिद्ध साहब को भी लगा, अब वो भले ही कह रहे हैं कि ये सही बात नहीं है। ये सारे डर मोदी जी के आने के बाद ही लगने शुरू हुए हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं मेरी कम्यूनिटी के लोग हैं, मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं उनके नाम लेकर या उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश में टेररिस्ट अटैक से पकड़े गए थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी और उनको फांसी की सज़ा ना हो उसकी गुहार लेके रात को 2:30 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनके लिए शायद, उनके लिए वो करने के लिए उनको साइन किया, उसने उन्होंने उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, जब उस पर साइन करके उनको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस देश में, तो फिर इसमें क्या डर है। ये सेंस ऑफ रिस्क, जिनकी रिस्पॉन्सिबल लोग जो होते हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अनपढ़ पढ़ा लिखा में जो है, जो बूढ़ा आदमी है, जो सड़क पर आदमी है, जो सिर्फ बातें सुन के बोलता है, वो इस तरह की बात करे तो समझ में आता है। एक पढ़े लिखे इंसान जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है।